नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। विपक्ष ने अपने संगठन का नाम इंडिया क्या रखा कि मोदी जी ने तो अपने इंडिया का नाम बदलने का ही फैसला ले लिया है। मतलब ये कि अब इंडिया का नाम इंडिया नहीं रहेगा, उसे बदल दिया जाएगा। केंद्र सरकार ये सोच रही है। जानकारी हो कि भारत दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, और ऐसे में एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल पैदा करके रख दी है। कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत होगा, ऐसा करने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ चीजों में साफ झलक रहा है। मोदी जी ने इंडिया का नाम बदलने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे। बता दें, सबसे पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिया, ये एक पत्र भेजा गया। फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले पहचान पत्र पर साफ लिखा था सिर्फ भारत। जो पहचान पत्र उन्हें मिले थे, उन्हें इंडिया के जगह भारत लिखा हुआ था। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन रोड पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया। वही चौथी तस्वीर 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन रोड की है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलने का फैसला कर चुकी है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी देश का नाम बदला जा रहा हो। इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जिनका नाम बदल दिया गया। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम तुर्कीय हो गया, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम थाईलैंड बन गया, इससे भी बेहतर बर्मा म्यांमार हो गया, ईस्ट जर्मनी 1990 से सिर्फ जर्मनी नाम ही रह गया है, फ्रेंच सूडान 1960 में माली हो गया। ऐसे कई देशों के नाम हैं जो बदल दिए गए। तो क्या इसी तरह 2024 या फिर उससे पहले इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया का नाम बदला तो फिर क्या तमाम शहरों में जिन एम्स अस्पतालों को खोलकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, तो क्या उसे अपने नाम लिखा इंडिया हटाना पड़ेगा और इसे ऑल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाएगा। क्या इंडिया गेट को भी बदल दिया जाएगा और इंडिया गेट की जगह भारत द्वार कर दिया जाएगा। क्या सारे IIT और IIM का भी नाम बदल दिया जाएगा। ऐसे तो भारत की जनता का पासपोर्ट भी बदल दिया जाएगा, वहां भी सिर्फ आपको भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। ये सवाल ऐसे हैं जो जनता के यानी कि आम आदमी के दिमाग में गूंज रहे हैं। आपके दिमाग में इसको लेकर क्या चल रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बता दिए रहिएगा। बाकी इस खबर से संबंधित हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा द शिवा कुमार। नमस्कार।